तो दोस्तों पेन ड्राइव में मैंने ये जो चार फाइल डाउनलोड की थी वो मैंने इसमें डाली हैं, और अब हम एक्टिवेट करते हैं अपने 8.0.5 मीडिया नेविगेशन वर्जन में रियर स्पीकर और रियर कैमरा। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेटिंग्स में और देखते हैं कि अभी फ़िलहाल क्या क्या सेटिंग्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले ऑडियो सेक्शन में जाके देखते हैं, इसमें देखेंगे आप लेफ़्ट और राइट स्पीकर तो इसमें काम कर रहे हैं लेकिन फ्रंट और रियर नहीं कर रहे हैं। इन दोनों को हमें ऑप्शन को लेके आना है। दूसरा ऑप्शन है डिस्प्ले में रियर व्यू कैमरा, जो कि अभी आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है और वो हमें एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए सिस्टम में हम जाएंगे और यहाँ देखेंगे सिस्टम वर्जन, सिस्टम वर्जन पे क्लिक करेंगे तो हमारा वर्जन यहाँ दिखाई देगा 8.0.5। या इस वर्जन स्क्रीन पे आके हम पेन ड्राइव को इंसर्ट कर देंगे। पेन ड्राइव इस इंसर्ट होते ही आपको ये मैसेज देगा नो मीडिया फाइल फाउंड इन यूएसबी। हम इसे ओके कर देंगे और ओके करने के बाद हमें 5 स्क्रीन टच करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारा टेस्ट मोड यहाँ पे खुल जाएगा और अब हम जो पास की है फर्स्ट 4 अंक वो पहले डालेंगे। तो मैं इसमें एंटर कर देता हूँ, मैंने इसमें 4 अंकों की जो फर्स्ट पास की थी वो एंटर कर दी है और अब मैं इसको एक बार ओके करूँगा। एक बार ओके करने के बाद मैं फिर से इसको इरेज कर दूँगा और जो दूसरी 4 अंकों की पास की है मैं इसमें वो डाल देता हूँ। दूसरे 4 अंकों की पास की मैंने इसमें डाल दी है, अब मैं इसे ओके करता हूँ। कई बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ये इनकरेक्ट दिखाती है तो हमें दोबारा से उसको वही प्रोसेस करना है और वही पास की हमें दोबारा से डालनी है। फर्स्ट मैंने डाली और इसको मैं इरेज करके दोबारा डाल रहा हूँ। ये दूसरी वाली मैंने डाल दी है और मैं इसे ओके कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम में तो इसने इनकरेक्ट बताया था लेकिन अगर उसे दोबारा किया जाए तो वो एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ से अब हम जाएंगे माइक होम टेस्ट में। आप देखेंगे माइक होम टेस्ट में आते ही ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। इसमें हमें केवल 3 चीज़ को टच करना है, बाकी किसी चीज़ को। आप देखेंगे यहाँ पे SPK_R ऑफ, इसे हम ऑन कर लेंगे एक बार क्लिक करने के बाद। एक बार क्लिक करते ही ये ऑन हो गया और इसी के बगल में यहाँ देखेंगे RVC ऑफ। RVC मतलब रियर व्यू कैमरा ऑफ। इसको एक बार क्लिक करेंगे, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे। तो फर्स्ट मतलब हम 3 बार नहीं करेंगे, केवल एक बार करेंगे तो RVC यहाँ पे 2 बार दिखाई देगा। RVC पहले RVC ऑफ था, अब ये RVC हो गया है। तो एक बार ये क्लिक करना है, एक बार स्पीकर ऑन ऑफ को क्लिक करना है तो वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद ऊपर जो कोने पे DSI कॉन्फ़िगर है इसे हम एक बार क्लिक करेंगे और वेट करेंगे। सिस्टम करीब 20-25 सेकंड के बाद अपने आप बंद होगा, उसे कहते हैं रिबूट होगा। तो रिबूट होने तक हम वेट करते हैं। सिस्टम रिबूट हो गया है और दोबारा से टर्न ऑन हो रहा है। अब हम
सेटिंग में जाके चेक करते हैं। हमारा रियर स्पीकर की स्थिति क्या है, आप देखेंगे पहले दो थे लेफ्ट और राइट, और अब ये फ्रंट और रियर भी एक्सेस हो रहा है। जस्ट इसके बगल में डिस्प्ले सेक्शन में जाके देखेंगे, पहले यहाँ पे रियर व्यू कैमरा नहीं था जो कि अब यहाँ पे आ गया है। इसमें भी एक ऑप्शन है ऑन ऑफ, यहीं से हम अगर इस फीचर को ऑन करना चाहते हैं यहाँ से ऑन कर सकते हैं, अगर हम नहीं चाहते कि रियर व्यू कैमरा दिखे यहीं से ऑफ भी कर सकते हैं। और हमारा जो सिस्टम वर्जन है वो भी पहले के जैसा 8.0.5 ही है, सिस्टम वर्जन में कोई चेंज नहीं है। तो ये वर्जन बिना चेंज किए आप ऑडियो और रियर व्यू कैमरा की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी रियर स्पीकर वायरिंग की और रियर व्यू कैमरा कॉम्बो की, जो कि हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप परचेज़ कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।